हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने वन डायमेंशनल एरे के बारे में देखा, एरे की डेफिनेशन, उसका डिक्लेरेशन, उसका इनिशियलाइजेशन एंड सम बेसिक प्रोग्राम्स रिलेटेड टू वन डायमेंशनल एरे। सो टुडे आई विल डिस्कस मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसके अंदर हम देखेंगे टू डायमेंशनल एरेज़ के बारे में। सो अगर मैं मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करूं, व्हाट इज़ मल्टी डायमेंशनल एरे, सो आई कैन से अ मल्टी डायमेंशनल एरे एक मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है? वन डायमेंशनल एरे में केवल एक डायमेंशन होता था, मल्टी डायमेंशनल एरे में हमारे पास ऑब्वियस सी बात है मोर देन वन डायमेंशन होंगे। सो एरे हैविंग टू और मोर डायमेंशंस, सो ऐसा एरे जिसमें दो या दो से ज़्यादा डायमेंशन हो, उनको मल्टी डायमेंशन एरे की कैटेगरी में रखते हैं। सो सबसे पहले वन डायमेंशनल एरे तक हम लोग देख ही चुके थे, मल्टी डायमेंशनल एरे में सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो टू डायमेंशन का आएगा। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टू डायमेंशनल एरे। इसको हम 2D एरे भी बोलते हैं शॉर्ट में, ओके? सो अगर हम टू डायमेंशनल एरे की बात करें तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज एरे ऑफ एरेस। तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन है टू डायमेंशनल एरे की, इट इज़ एन एरे ऑफ एरेज, ठीक है? अभी हम इसको समझेंगे कि हम क्यों ये डेफिनेशन ले रहे हैं, ठीक है? उससे पहले कुछ खास बातें और टू डायमेंशनल एरेज के बारे में। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स। तो बहुत जगह आपको टू डायमेंशनल एरे जब भी हम बात करेंगे इसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और मैट्रिक्स बोलते क्यों हैं? क्योंकि टू डायमेंशनल एरेज को हम रो कॉलम के फॉर्मेट, जैसे एक मैट्रिक्स होती है रो और कॉलम के फॉर्मेट में एलिमेंट्स होते हैं, उस तरीके से हम इसको कॉन्सेप्चुअली विजुअलाइज कर सकते हैं टू डायमेंशनल एरे को, इसीलिए हम इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ओके? सो उसी को आगे मैं एक्सटेंड करता हूँ। इट इज़ कॉन्सेप्चुअली represented as row column row com it is conceptually represented as row column format row column format के of elements के row column format के representation के format में हम इसको कॉन्सेप्टली विजुलाइज करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबुलर मेथड, टेबल के फॉर्म में, ओके? टेबुलर फॉर्म, राइट? सो अभी जब एग्जांपल लेंगे तो आपको एक एक चीज प्रॉपरली क्लियर होगी, ठीक है? ये तो बात हुई डेफिनेशन के पार्ट पे। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो आपको याद होगा अगर वन डायमेंशनल एरे था तो हम उसको एक ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते थे, कोई भी एरे लेते थे और एक ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते थे, ये इसकी बेसिकली डायमेंशन थी, ठीक है? सो अगर मैं टू डायमेंशनल एरे की बात करूं तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते थे, वन डायमेंशनल में इसको हम बोलते थे इंडेक्स, ठीक है? सो यहाँ पर एक की जगह दो इंडेक्स अब यूज़ होंगे, ठीक है, टू डायमेंशनल एरे में। सो इन सी लैंग्वेज इट इज हैंडल्ड, कैसे हैंडल करते हैं? विद द हेल्प ऑफ टू इंडिसेस, दो इंडेक्स के हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इंडेक्स क्या क्या है? एक को हम बोलते हैं रो इंडेक्स,
एंड दूसरे को बोलते हैं कॉलम इंडेक्स। ठीक है, तो एक तरह से ये हो गया तुम्हारा आपका रो इंडेक्स और ये हो गया आपका, दिस इज रो इंडेक्स एंड दिस इज कॉलम इंडेक्स। ओके, सो दो इंडेक्स चाहिए हमको टू डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम देखते हैं कैसे इसको कॉन्सेप्चुअली विजुअलाइज करते हैं टू डायमेंशनल एरे को। तो अगर मैं कहूँ टेबल, मैंने क्या लिखा था टेबुलर फॉर्मेट में, देखिए एक सिचुएशन सोचिए, टू डायमेंशनल एरे की हम बात करें, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज एन एरे ऑफ एरेज। मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल एरेज हैं, वन डायमेंशनल एरे एक है A1 जिसमें चार एलिमेंट हैं, उसी तरह A2 है जिसमें भी चार एलिमेंट्स हैं, A3 है इसमें भी चार एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये तीन डिफरेंट एरेज हैं। अगर मैं इन तीनों एरे को एक यूनिट के तौर पे देखना, विजुलाइज करना चाहूँ एक सिंगल यूनिट के तौर पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन तीनों एरे को क्लब कर लूँ। तो अगर मैं कहूँ कि इन तीन एरे का एरे, अगर इन तीन एरे A1, A2, A3 का एक और एरे बना लूँ, मीन्स एरे ऑफ एरेज, सो देर आर थ्री डिफरेंट एरेज A1, A2, A3, इन सबको क्लब करके एक सिंगल एरे बनाता हूँ, तो ये बन जाता है टू डायमेंशनल एरे। उसी डेफिनेशन को यहाँ पर लिखा गया, इट इज़ डिफाइंड एज एन एरे ऑफ एरेज। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर तीनों को क्लब कर दें तो हम कह सकते हैं कि एक दूसरा एरे तीसरा एरे, और ये अपने आप में एक एरे है A1, A2, A3, सो एरे ऑफ मल्टीपल एरेज। ठीक है, इसी बात को मैं लिखता हूँ कि ये 2D एरे हो जाता है। ओके, सो एरे ऑफ मल्टीपल डिफरेंट एरेज। ठीक है, सो ये इट बिकम्स अ 2D एरे। सो अब हम देखते हैं कि इसके टेबुलर फॉर्मेट में जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें मुख्य बातें क्या हैं। सो जैसे मान लीजिए मैंने ठीक है, सो इसमें हम तीन रोज ले लेते हैं, ठीक है, सो कितने ब्लॉक्स हमने ले रखे हैं, चार कॉलम और तीन रो के फॉर्मेट में टोटल 12 ब्लॉक्स बना रखे हैं। ठीक है, सो ये ज़ीरो रो नंबर दे दिए हैं, सो रो ज़ीरो, रो वन एंड रो टू। इंडेक्सिंग हमेशा ज़ीरो से चालू करते हैं क्योंकि सी लैंग्वेज में एरे में इंडेक्सिंग जो होती है वो ज़ीरो से चालू होती है, सो इसलिए हमने इसको इस तरीके से ले रखा है। ओके, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉलम ज़ीरो, कॉलम वन, कॉलम टू एंड कॉलम थ्री, राइट। सो दिस बिकम्स द टेबुलर फॉर्मेट, तीन रो चार कॉलम। ओके, और अगर मैं इंडिविजुअल, ये कौन सा है, रो ज़ीरो कॉलम ज़ीरो, तो एक तरह से ये कौन सा एलिमेंट हो गया एरे का, ए ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, रो ज़ीरो कॉलम वन, तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, ज़ीरो वन। इसी तरह ज़ीरो टू, ज़ीरो रो का सेकेंड कॉलम, ज़ीरो रो का थर्ड इंडेक्स वाला कॉलम। सिमिलरली अब रो वन चालू हो गई है, सो ए फर्स्ट रो ज़ीरो कॉलम, ए का ही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एरे ए का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ओके, और एरे का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ओके, सिमिलरली एरे का सेकंड रो ज़ीरो कॉलम, एरे का सेकंड रो वन कॉलम, एरे का सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड एरे का सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, सो एक तरह से ये 3x4 की टेबुलर एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है जो हम क्या कहते हैं 2D एरे के फॉर्मेट में समझते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इस पूरे एरे की बात करूं, ये किस साइज़ का, वो ए ऑफ 3x4, ठीक है, जहां पे ये नंबर ऑफ रोज़ हैं, ठीक है, तीन रो हैं, एक दो तीन, जीरो चालू हुई रो ज़ीरो, रो वन, रो टू, और यहाँ पर ये नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, चार कॉलम, कॉलम ज़ीरो, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री। ठीक है, सो ये एक तरह से टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है टू डायमेंशनल एरे का, और यहाँ पे ये सारी जो हैं ये यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, जो हम स्टोर करेंगे, और उस वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इंडेक्स के
तरीके से A00, A01, A02, A03। तो अगर मैं A00 बात करूँ तो यानी किस एलिमेंट की बात करूँ, यहाँ पर जो है। अगर मैं A11 की बात करूँ किस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है। अगर मैं A12 की बात कर रहा हूँ तो कौन सा एलिमेंट है, ये वाला। A23 की बात कर रहा हूँ तो ये वाला एलिमेंट। तो इस तरीके से हम एक तरह से उसकी नंबरिंग कर देते हैं, इंडेक्सिंग कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट है ये। ओके, सो ये तरीका है टू डायमेंशनल एरे को समझने का। अब हम सी लैंग्वेज के अंतर्गत देखेंगे कि इस चीज़ को ये एरे डिक्लेयर कैसे करेंगे, इसमें एलिमेंट्स में वैल्यू कैसे देंगे और उसको एक्सेस कैसे करेंगे। सो वेरियस टेक्निक्स वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, फिलहाल एक आप लोग के दिमाग में बात आ रही होगी कि हम मल्टी डायमेंशनल एरे की आखिर आवश्यकता क्या पड़ रही है। सो अभी आप जैसे जैसे आप एग्जांपल्स इसके देखेंगे, आपको खुद ही समझ में आएगा कि मल्टी डायमेंशनल एरेस की क्या उपयोगिता है और कहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। जितने भी मैट्रिक्स रिलेटेड प्रोग्राम होंगे, क्योंकि इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात करें, जितने भी मैट्रिक्स रिलेटेड प्रोग्राम होंगे उस सब में टू डायमेंशनल एरे का प्रयोग होगा। और जहाँ भी हमारा स्पेशली डेटा के फॉर्मेट में काम करते हैं, जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस में आगे डेटा माइनिंग एंड अदर टॉपिक्स पे काम करेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे जहाँ भी डेटा होगा रो कॉलम के फॉर्मेट में, वो कहीं ना कहीं आपका 2D मैट्रिक्स का ही प्रयोग करेगा। तो वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टू डायमेंशनल एरे पे बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आपके टू डायमेंशनल एरे से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन हम खुद ही देखते चलेंगे, जैसे जैसे हम प्रोग्राम्स, जितने एग्जाम्पल प्रोग्राम्स देंगे आपको एप्लीकेशन खुद ही समझ में आता रहेगा। सो फॉर दिस लेक्चर आई लीव, एंड आगे की चीज़ें हम सी लैंग्वेज में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे कैसे एरे के साथ काम करते हैं सी लैंग्वेज में। ओके, थैंक यू वेरी मच।